कल शाम को फोनी में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी। अब तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 33 लोग घायल हैं। 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया हूँ। अभी मैं 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है, मैं अभी उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नज़र बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मॉइल में लाया जाए, और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाएगा। कल शाम को फोनी में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी। अब तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 33 लोग घायल हैं। 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया हूँ। अभी मैं 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है, मैं अभी उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नज़र बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मॉइल में लाया जाए, और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाएगा।